वेलकम टू दिस क्लास। ये जो आज लेक्चर है ये थर्ड ईयर ऑनर्स एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए है। बच्चों, आपके थर्ड ईयर के कोर्स में एक नया सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है, दैट इज बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। तीन प्रकार के बेनिफिशियल इंसेक्ट उसमें कवर्ड हैं। नंबर वन लैक इंसेक्ट, लक्ष्य कीट। दूसरा है सिल्क इंसेक्ट और तीसरा है हनी बीज, एपिकल्चर जिसे कहते हैं। तो ये तीन आपके जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं ये आपके सब्जेक्ट में रखे गए हैं। तो अपन इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें सारे टॉपिक आएंगे, उनका आइडेंटिफिकेशन, साइंटिफिक नेम, उनका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, उनके होस्ट प्लांट, सारा कंप्लीट डिटेल में। तो ये मान के चलो आप बच्चों के मैं आपको एक बेनिफिशियल इंसेक्ट के ऊपर करीब 3-4 लेक्चर्स दूंगा। मान के चले कि 12 से 15 लेक्चर होंगे आपके कोर्स को कवर करने में। तो आज अपन पहले लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लैक कल्चर इंसेक्ट। इसको लक्ष्य कीट कहते हैं। दिस इज अ बेनिफिशियल इंसेक्ट। इसमें सबसे पहले देखिए मैंने अलग अलग पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। ये सब इस तरीके से आपको इसको उतारना है, इस तरीके से आपको इसे याद करना है। नंबर वन वी कम टू व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस लैक इंसेक्ट। साइंटिफिक नेम है इसका कैरिया लैका, लैसीफर लैका कहते हैं इसे। आप इसको अच्छे से एनलार्ज करके इसकी स्पेलिंग लिखें, चेक करें। ऑर्डर इसका हेमिप्टेरा है, सब ऑर्डर इसका होमोप्टेरा है, फैमिली इसकी लैसीफेरिडी है। ठीक है, इसी क्रम में आप इसको याद करिए। फिर आता है इसका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा, इसको हेक्सापोडा कहते हैं। हेक्सापोडा मतलब जिसके तीन जोड़ा टांग होते हैं, हेक्सा मीन सिक्स। ऑर्डर इज हेमिप्टेरा, सब फैमिली इसकी जो है कॉक्सिडी है। देन फैमिली इज लैसीफेरिडी, जीनियस इसका लैसीफर है और स्पीशीज इसकी लेका है। ये आपको सब अच्छे से याद कर लेना चाहिए बच्चों। देन कम्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इंसेक्ट, कि ये कीट कहां कहां पाया जाता है। तो यह कीट भारतवर्ष में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कीट पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, जावा, मलाया, चाइना, थाईलैंड, इन कंट्रीज में भी बहुत अच्छी तादाद में पाया जाता है। अब आते हैं इसके होस्ट प्लांट, किन किन पौधों के ऊपर इसकी रियरिंग की जाती है, इसको पाला जाता है। तो उसमें आप देखिए पलास का प्लांट है, कुसुम है, बबूल है, पीपल है, बेर है, अरर है, ग्रीविया है और खैर है। बच्चों आप इन प्लांट्स के साइंटिफिक नेम भी याद करिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, वो आपको और सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा। देन कम्स आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड स्कोप, कि भाई आखिर ये बेनिफिशियल इंसेक्ट क्यों है, इसको हमने बेनिफिशियल इंसेक्ट की कैटेगरी में क्यों डाला है। तो देखिए आप, ये मैंने लिखा तो पैराग्राफ के रूप में, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो इसमें 1, 2, 3, 4 ये इसमें पॉइंट्स मैंने डाले हैं, 3, 4, 5। तो आप जब लिखें तो हमेशा पॉइंट्स के रूप में लिखें। तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं। भारत में सारे विश्व का 80% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में पैदा होता है। नंबर टू, मैक्सिमम प्रोडक्शन इज बीइंग एक्सपोर्टेड। एक्सपोर्ट होने से क्या होता है, हमें विदेशी मुद्रा मिलती है, करीब 10 से 12 करोड़ पैसा हमें विदेशी मुद्रा के रूप में इससे प्राप्त होता है। इसीलिए ये नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप इन इंडिया, स्पेशली जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए रोजगार का बहुत अच्छा साधन है भारत देश में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन काल से ही इसके प्रयोग की जानकारी हमें रही है। महाभारत काल में लक्ष्य ग्रह की कथा काफी प्रचलित है, सब जानते हैं कि इसमें कौरवों ने पांडवों को समाप्त करने के लिए किस तरीके से लक्ष्य ग्रह का निर्माण किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इससे भी पुराना विवरण अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट,
प्राचीन काल में हमारे देश में उद्योग उन्नति के शिखर पर था। सन 1550 में आईने अकबरी की रचना हुई थी, जिसमें लाख की पॉलिश का उल्लेख मिलता है। यानी कि आप देखिए 1590 में भी इसका जिक्र था, और उससे पहले अथर्ववेद वगैरह में था ही। नेक्स्ट, वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में इसका उपयोग ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाने में होता है। एक इसकी बड़ी खासियत है कि बच्चों, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका उपयोग इंसुलेटर्स के रूप में होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका काम है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में इसका यूज काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट, लाख से बहुत सारे प्रकार के आइटम्स बनते हैं, जैसे वार्निश है, पॉलिश है, चूड़ियां हैं, बैंगल्स हैं, अन्य श्रृंगार के सामान इससे निर्मित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू किया था। 1925 में रांची में इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, रांची में, जो पहले बिहार में था, अब ये झारखंड की कैपिटल है। 1930 में इंडियन लैक सेस कमेटी बनी, जिसका काम प्रोडक्शन और रिसर्च के अलावा इसके क्रय विक्रय, सेल परचेज व एक्सपोर्ट कंट्रोल, तथा इसके जो कानून बनते हैं, लॉज बनते हैं, उनको भी ये कड़ाई से पालन करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सिक्स पॉइंट इसका, लैक, ये लाख है क्या बेसिकली, लक्ष जिसको हम कहते हैं, व्हाट इज लैक, ये कीट क्या करता है, क्या बनता है, कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूं। यह लाख लक्ष कीट की लक्ष गिनती होती है, इसमें लैक ग्लैंड होती है, वहां से ये द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में निकलता है। नंबर टू, यह सूख कर बाद में सख्त हो जाता है तथा ठोस बन जाता है। थर्ड पॉइंट, यह एक बेरोज पदार्थ, रेजिनस मैटर होता है। वास्तव में मादा कीट, फीमेल इंसेक्ट, लाख को अपने शरीर के चारों ओर सुरक्षा के लिए बनाती है। बेसिकली ये क्यों बनाती है, अपने प्रोटेक्शन के लिए। लाख ग्लैंड शरीर की ऊपरी सतह पर अनेक छिद्रों द्वारा खुलती है, बॉडी के जो ऊपर की तरफ छिद्र होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वहां से ये निकलता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों, इसको आप समझ लें, नोट कर लें। इसके अतिरिक्त तीन मॉम ग्लैंड्स होती हैं, वैक्स ग्लैंड्स होती हैं, जो कि मुंह पर होती हैं, मध्यवक्षी मीजोथोरेक श्वसन छिद्र वहां होती हैं, तथा गुदा के किनारे पर स्थित होती हैं, एनस जो रेक्टम होता है वहां पर स्थित होती हैं। इन ग्लैंड से मॉम निकलता है, जो कि कीट के रेस्पिरेटरी स्पाइकल्स, श्वसन छिद्रों और गुदा आदि पर लाख को जमा नहीं होने देता। नहीं तो अगर ये वैक्स ग्लैंड का ये पर्पज ना हो, तो यदि ऐसा ना होता तो लैक इंसेक्ट वृक्ष की टहनी पर ही चिपक कर मर जाता। तो ये जो पॉइंट है 6th and 7th, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखें। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं इसके विषय में कि लाक बेसिकली है क्या, इसका कंपोजिशन क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, लाक में क्या क्या होता है, रेजिन 68% होता है, रंगीला पदार्थ 10% होता है, वैक्स 6% होता है, गम 5.5% होता है, शर्करा सुक्रोज 4% होती है, और मिट्टी कूड़ा 6.5% होता है। तो बच्चों, ये मैंने आपको आज पहली क्लास में लैक इंसेक्ट के बारे में कुछ जानकारियां दी हैं, जिसमें आपके इसका क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक नेम, डिस्ट्रीब्यूशन, होस्ट प्लांट, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसका स्कोप, व्हाट इज लैक, इसका कंपोजिशन, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको जो देने वाला हूं, उसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन, मेल फीमेल की आइडेंटिफिकेशन बड़ी टिपिकल है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में इसकी लाइफ साइकिल, बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल, वो बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे इसको प्रोसेस करते हैं, और लास्ट में इसकी डिजीज, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को बेटा आप अच्छे से सुने, देखें, इसको नोट करें, और मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से मैंने ये लेक्चर तैयार किया है, आपको मैंने डिलीवर किया है, आप इसको लिख लेंगे तो ही आपको याद हो जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू।